कहना 550 रुपये लेंगे। मैंने कहा भाई कार लेके आ रहा है क्या, 450 तो कार में दिखा रहा है। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ, स्वागत करता हूं सभी का अपने यूट्यूब चैनल BSK ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं, वैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने गांव आया हुआ हूं, तो ये मेरे गांव की सड़कें हैं और झारखंड की सड़कें ऐसे ही है, कहीं खड्डा कभी कहीं। तो मतलब मेरे संग जुड़े हुए हैं कपिल भाई, और ये अपना हम राइडर भी हैं और मतलब कैप्टन भी हैं, हम चलाते भी हैं और एक कस्टमर बन के भी हमने एक्सपीरियंस लिया है। तो आज वही शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ राइड पे। तो हेलो कपिल भाई, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया सर, आप बताओ। बस बढ़िया। आप आखिर, मैंने अपना टारगेट पूरा कर ही लिया, 1300 किलोमीटर चला लिया मैंने 2 दिन में। तो वो सारी राइडें भाई मैं अपने व्यूअर्स को बोलूँगा ज़रूर देखना, वो बड़े मेहनत से बनाया है। तो बताओ कैसे, क्या एक्सपीरियंस है अभी इस टाइम पे, क्या हाल है ओला उबर के और दिल्ली में? देखो जी, काम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, राइड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ग्राहक कम हुए हैं और होते भी चले जा रहे हैं। अच्छा। और कल जो है, अभी मतलब कल नहीं, एक दिन पहले मैंने आपको स्क्रीन शॉट भेजे थे। अच्छा। मैंने कस्टमर बन के बुकिंग करी, मैंने ये चीज़ टेस्ट करना चाहूँ कि जो कस्टमर जब एक बुक करता है तो उसको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है आज तक, क्योंकि 5-6 महीने से मैंने भी कोई बुकिंग नहीं करी थी, हम खुद ही चला रहे हैं। तो पहले मैंने बुक करी रैपिडो, मैंने स्टार्ट करी, तो जो मैंने रैपिडो बुक करी उसमें गाड़ी का नंबर ही गलत आ रहा था। अच्छा। 10 डिजिट का नंबर होता है, 11 डिजिट का नंबर आ रहा था। मैंने आपको स्क्रीन शॉट भेजा, बंदे का नंबर था 666, लेकिन दिखा रहा था 666066। अच्छा। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक सिक्योरिटी का, मैं कहूँगा सेफ्टी का इशू है रैपिडो की तरफ से, कि जिसकी अटैचमेंट करी है उस पर ध्यान नहीं दिया क्या नंबर टाइप कर रहे हैं क्या नहीं। हाँ, बताओ कस्टमर फिर वो भी, और अगर कोई मान लो इंसिडेंट हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया था, एक भाई थे वो चंडीगढ़ के, उनका हो गया था बट वो क्लेम नहीं ले पाए, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि क्लेम नहीं ले पाएगा फिर। हाँ, फिर वो कुछ भी इश्यू होएगा तो वो नंबर गलत डाल के वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा कि ये तो गलत है, डिटेल ही गलत है। ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने उस बंदे से बात करी, उसने आने से मना कर दिया। अच्छा। इस लोकेशन पे नहीं डाला, मैंने उसकी फ़ोन से बात करी थी कि वो हो गया था, लेकिन मैंने फिर एक और राइड बुक करी। अच्छा। मैंने कहा मैं कैट पे ही बात करूँगा, फ़ोन पे बात नहीं करूँगा, कैट पे क्या एक्सपीरियंस और ले सकते हो आप। फिर रैपिडो बुक करी तो राइड बुक हो गई, जो बंदा था 30 मिनट दूर पर खड़ा था, 23 किलोमीटर दूर, और दिखा रहा था कि 30 मिनट लगेगी आने को। उसके पीछे का भी रीज़न बता दो मैं, हुआ क्या है रैपिडो में क्या है, लोकेशन ऑलवेज ऑन नहीं रहती, ऊपर पर रहती। अच्छा। उधर गया, आपने रैपिडो की ऐप खोल रखी है लक्ष्मी नगर में, ऊपर आपने मैप चला लिया गूगल मैप या उसके ऊपर ओला की ऐप खोल ली, तो रैपिडो की ऐप का लोकेशन जो है वो लक्ष्मी नगर की ही अटक जाएगी। अच्छा। 5-6 किलोमीटर दूर तो लोकेशन वहीं की रहेगी, आप दिखाएगा ऐप के ऊपर राइडर वहीं तो खड़ा हुआ। तो मैंने बुक करी, वहाँ की बुक होगी पास की, लेकिन जब राइडर ने ऐप खोली होगी उसकी लोकेशन अपडेट हुई तो दिखा रहा था वहाँ पे। ओके। ये भी बहुत बड़ी है, दोनों स्टेट को रैपिडो के ऊपर पकड़ी है मैंने, ये रैपिडो की ऐप के ऊपर गड़बड़ा। और किस तरह के रैपिडो की तो कपिल भाई मैं क्या बताऊँ आपको, उसके ऐप में तो इतनी बुरा खामियाँ थी एक टाइम पे, अभी तो धीरे धीरे ठीक हो गई है। और एक मुझे बुरी लगती है कि हाँ, ऐप तो अटकती है, और अगर आप कहीं खड़े हो ना तो आपको वहीं पे, पहले होता है वहीं पे जाओ तो अब स्टार्ट होगा राइड, अब 400-500 मीटर पे। कस्टमर जो है रैपिडो के अंदर, बहुत से कस्टमर कंप्लेंट करते हैं भैया आपकी बाइक मूव होती हुई दिखाई नहीं देगी, पहुँचने वाले होते हैं कस्टमर के पास, लेकिन कस्टमर को लोकेशन दिखाई नहीं देती कि बाइक मूव हो रही है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है इसके ऐप में, तो मैं रैपिडो के ऊपर मानूंगा, कैप्टन के ऊपर नहीं, ये ऐप के अंदर बहुत मिस्टेक है। फिर मैंने कैप्टन से एक चैट करी, मैंने कहा भैया कितनी देर में आ रहे हो, फिर उसको उसने मेरे से पूछा जाना कहाँ। अच्छा। मैंने उसने बोला मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, तो 15-20 मिनट ऐसे कुछ नहीं लिखा था, वो चैट के अंदर मैंने भेजा। मैंने कहा भैया 7-8 मिनट में हर बंदा पहुँचता है। सही बात है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट कहाँ से, 20 मिनट मैक्स टू मैक्स 10 मिनट जाना वहाँ पे। कह रहा मैंने कहा क्यों बताऊँ, उसने मना कर दिया कि वहाँ नहीं जाना। तो उसके बाद राइड कर दी कैब, तो ये एक्सपीरियंस जो है कस्टमर को दिया जा रहा है। तो फिर मैंने रैपिडो के बाद करी ऊबर बुक करी, मैंने ऊबर की लोकेशन डाली गुड़गांव से। अच्छा। मैं गुड़गांव से बुक करके देखती हूँ वहाँ के राइडर्स का क्या हाल है, दिल्ली का तो देख लिया। तो मैंने गुड़गांव में ऊबर बुक करी, वहाँ पर बुक करी, मैंने बंदे का मैसेज करा, मैंने कितनी देर में आ रहे हो, कह रहा 6-7 मिनट में आ रहे। अच्छा। 10 मिनट हो गए, बंदा अपनी लोकेशन पे हिला था,
अच्छा वहीं का वहीं खड़ा रहा। फिर मुझे से बोला, मैंने कहा रियल नहीं आना, तो कैंसिल कर दो, टाइम की बात है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक और राइड बुक करी, उसने मेरे को कमाल ही कर दी। कैसे? मेरे पास वो 50% ऑफ का आजकल कूपन आया है, उसमें वो करा था, तो मैंने वो करी दिल्ली, गुड़गांव से दिल्ली तक। अच्छा, तो बंदे ने पूछा जाना कहाँ है कैट से, करिए दिल्ली शाहरा जाना, कह रहा कितने की बुक की आपने और कितने रुपये में बुक करिए, कितने किलोमीटर की बुक कर, अपने मन मर्जी से। कैट के ऊपर पूरा स्क्रीन शॉट है, वो कह रहा 550 रुपए लेंगे। मैंने कहा भाई कार लेके आ रहा है क्या, 450 तो कार में दिखा रहा है। तो ये हाल है ड्राइवरों का। फिर मैंने ओला की बुक करी थी दो, लेकिन ओला के दोनों बंदे पिकअप हो गए, मेरे कैलकुलेशन चार्ज नहीं लगता। ये ओला ने सिस्टम ठीक करा हुआ है, जो आपका फोन खराब हो जाता है अगर आप नहीं पहुँचते भी सकते, तो उसके कारण जो है वो आजकल राइडर पहुँच जाते हैं ओला, वहाँ जाके भले ही वो कैंसिल कर दे, लेकिन वो पहुँच जाएंगे आपके लोकेशन। हाँ, ये बात तो है, ओला वाले इस मामले में अच्छा है। हाँ, और एक राइडर तो ऐसे थे जिनकी बुक करी, लोकेशन पूछ के कैंसिल कर दी। बहुत से राइडर ऐसे भी करते हैं, खास कर उबर के लिए, पिकअप लोकेशन पे पहुँचते हैं, वहाँ पे कहाँ जाना है, अगर नहीं जाना हो तो कैंसिल करते हैं और 12-15 रुपये कैंसिलेशन चार्ज कमा लेते हैं अगर आस पास की लोकेशन। अच्छा, तो अगर इस तरह का एक्सपीरियंस मैं आपको कह रहा था, अगर कस्टमर को देने की देंगे ये लोग, कहते हैं ना तालाब में जिस पर तालाब मिलना करती है, तो आज कस्टमर आएगा। सही बात है, अगर ये आप एक वैसे भी आपकी, हाँ क्या एग्जांपल दे रहे थे दे दो। मैं कह रहा हूँ जैसे आपकी दुकान है, अगर आप कोई कस्टमर आएगा उसको आप खराब एक्सपीरियंस हो गए, तो दोबारा थोड़ी आएगा आपकी दुकान। हाँ सही बात, अब कोई जो नए नए लोग बुक करते हैं कि चलो भाई भाई, भाई देखो ये जिस कपिल भाई जो भी बातें बोल रहे हैं ना, अपने हम लोग आपस में ये इम्प्लीमेंट करते हैं तभी वो बात बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने इनकी एक वीडियो देखी होगी एक्टिवा का, मैंने BS6G करके एक वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल पे जाके देखना इनकी स्कूटी कैसी है, वो तब बात करना। ये इतनी हाइजीन रखते हैं, इतनी साफ सफाई रखते हैं, और कस्टमर कमिटमेंट बोल दिया कि सर 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो 3 मिनट से पहले हमें पहुँचना है। वही हाल मैं भी करता हूँ कि अगर मुझे, मैं जब ही ऑन रखता हूँ डिवाइस, जब मुझे राइड लेनी होती है, मैं फालतू हम लोग ऑन नहीं रखते हैं, या फालतू मतलब करना ही नहीं है वो सब। बहुत रेयर केस होता है कि भाई रात को ऑफिस से चल रहे हैं उस रूट में मिलेगा, तो होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं उनको छोड़ के आता हूँ, तो ये चीज जरूरी है। कंपनी ने आपको सारी फैसिलिटी दी हुई है, गो होम की लोकेशन दे रखी है। हाँ, अगर आपको कोई ऊपर में भी फैसिलिटी है, अगर आपको दूसरी लोकेशन पे डाला, होम का एड्रेस बदल के वहाँ का डाल दो, उधर की ट्रिप मिलेगी। सही बात है, और आपको अगर काम करना ही नहीं है तो आप लोकेशन ऑन करके बैठे क्यों हो उसको, अपने रैपिडो को या ओला ऊबर को, अगर आप ऑन करके बैठे हो तो आप पहुंचो लोकेशन पे, ऐसा थोड़ी आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की राइड दे देगा। रात को कभी कभी हो जाता है, 5 लंबी लंबी राइड मिल जाती है रात के टाइम, क्योंकि राइडर कम होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस दोगे तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, जो लोग जिनका जिसका घर चलता है इसके काम पे फुल टाइम कर रहे हैं, बहुत से लोग ज़्यादातर फुल टाइम भी कर रहे हैं, उनका काम खराब होता है इस चीज़ में। जो लोग पिकअप पे पहुँच जाते हैं टाइम से और ढंग की अच्छी सर्विस देते हैं, उनका काम इन कैसे राइडर्स की वजह से काम। तो मैं तो मैं आपको नाम भी खराब कर रहे हैं। हाँ, अब मैं क्या बोलूँगा कपिल भाई कि देखो ये जो काम है ना, इसमें ना अब कंपनी को कुछ रूल्स लाने चाहिए कि भाई आपको अगर एक दोस्त एक शिफ्ट है कि इस शिफ्ट में इतना आपको काम करना ही करना है, मतलब लॉग इन रहना ही रहना है, और उस शिफ्ट के अकॉर्डिंगली काम कराओ तो ठीक है। तो क्योंकि नहीं तो पार्ट टाइमर इतने बढ़ गए हैं कि जितने सवारी नहीं है ना उससे कई ज़्यादा आपके राइडर हैं। राइडर, हाँ तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, मतलब कि काम ही नहीं होगा तो आप करेगा क्या। और इनको एक जैसे जो ओला उबर की कार में क्या सिस्टम है, कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुंचने के लिए टाइमर चलता है उसके ऊपर। हाँ, अभी वो लोग जिन्होंने चालू नहीं कराए, अगर आप उस टाइमर के अंदर नहीं पहुंचे तो आपकी पेनल्टी लगती है 40 रुपए की। किस में? उबर में? हाँ, कार के अंदर। अच्छा, हाँ तो वही करना है अगर आप चल रहे हो, टाइमर चलता है। हाँ, अगर बंदा 2 मिनट के 1 मिनट का टाइम दे दो बुकिंग आने के 1 मिनट के अंदर, अगर उसकी बाइक मूव नहीं होती है अच्छा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा।
ये भी सही है, ये होना ऐसा भी होना चाहिए। पूरी इंक्वायरी करते हैं, मैंने देखा राइडर, अरे आप पिकअप लोकेशन पे पहुंचे, वहाँ जाके सबमिट क्या हो गया, पहले पूछे कितने की बुकिंग करी है, कितने किलोमीटर की करी है, कहाँ जाना है, मन मर्जी पैसे मांग रहे हैं। और ये तो चलो दो चार पकड़ के आ गए, तो वो जो मैंने 5-6 बुकिंग करी है उसमें इतनी प्रॉब्लम सामने आई है। तो जो बंदा जिसको सुबह जल्दी ऑफिस जाना है वो सोचता है कि मैं बुक करूँगा फटाक से आ जाएगी और मैं बैठ के ऑफिस चले जाऊँगा, तो क्या एक्सपीरियंस दे रहे हो आप, काम खराब होता जा रहा है, वो दोबारा बुकिंग नहीं करता। सही बात, बाइक की सर्विस तो बहुत जगह है, लेकिन आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं इन लोगों का, ये बुक नहीं करना, वो कुछ और जरिया देखता है। बिल्कुल, तो वो तालाब की कहती ना गंदी मछलियाँ हैं, पूरा तालाब गंदा करते हैं, गंदा कर देता है। तो ये बहुत से फालतू के राइडर्स आ गए हैं और कस्टमर कम हो गए हैं, और जो ऐसी सर्विस होगी और कस्टमर कम होते जा रहे हैं। आपकी कमेंट्स में पढ़ रहा था मैंने, दिल्ली में टेस्टिंग करी थी, बहुत से बंदे कह रहे कहाँ पर काम है, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, कहाँ काम है, कहाँ बुकिंग आ रही है, कितनी बुकिंग आ रही है, काम है कि नहीं है। हाँ कमेंट तो है, अब ऐसा काम करोगे तो थोड़ी ना फिर काम होगा। सही बात है, ये करना है तो सही से करो वरना मत करो, सिंपल सी बात है। हाँ अगर आपको करना है आप कॉल करो, लोकेशन पर पहुँचो, उठाओ और पहले एड्रेस दिखाता है, हर चीज़ दिखाता है, पहले कहाँ से बुकिंग आ रही है, कितने किलोमीटर से आ रही है। अगर आपने बताइए आप पहुँचो, ये कस्टमर से पहले कुछ डिटेल मत लो, कहाँ जाना क्या है ये वो उल्टा सीधा। अगर पूछते हैं तो वैसे कस्टमर के माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती कि अब ये आएगा नहीं। हाँ तो वो नेगेटिव चला गया ना, आपने एक्सपीरियंस ही खराब कर दिया भाई, जो आपको पैसे दे रहा है जो आपको 25 रुपये भी दे रहा है उसके 25 रुपये भी आप उसको वर्थ दो, तरीके पैसे हो रही है और आपको 20 रुपये की गाइड मिलेगी और मिलेगी। सही बात है, काम है ना, आप कंपनियों ने भी अपना पूरा सिस्टम बना रखा है। जो बार बार ओला के एम्प्लॉय से मेरी बात हुई थी, जो मैं ओला से दिया था, तो उन्होंने कहा था बार बार लॉग आउट करोगे ना आपको सिस्टम बुकिंग देगा नहीं। अगर सिस्टम में आ गया, टाइम चलता है कि आपने इतने रिस्टर बुकिंग हुआ है, आपको बुकिंग नहीं मिली है, आप जब राइडरों के बीच में खड़े हो आपको बुकिंग नहीं मिली। तो ये हाल है दोस्तों, जो अभी कपिल भाई ने बताया अपना एक्सपीरियंस एज ए कस्टमर और राइडर दोनों ही, तो आप लोग बिल्कुल जो भी नए लोग जुड़ रहे हो ना, देखो काम ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ काम नहीं है तब आओ इस लाइन में, ये लाइन उतना अच्छा नहीं है जितना दिखता है। क्योंकि मेरे को शौक है, कपिल भाई को बाइक स्कूटी चलाने का शौक है, इसलिए हम लोग करते हैं, मज़ा आता है हम। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो सिर्फ चकाचौंध देख के और ऐसे मत जुड़ जाओ कि 1000 कमा लोगे, 1200 कमा लोगे, 1500 कमा लोगे 8 घंटे में, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शो ऑफ है और कुछ नहीं है। एक टाइम पे था कमाई लेकिन इस टाइम नहीं है। बाकी आप लोग अपने सोच बूझ और बाकी से ज्वाइन करना, क्यों कपिल भाई सही है ना, और हाँ तो सीरियस काम करने के लिए करो, हाँ बिल्कुल टाइम पास मत करो और कस्टमर को अपना भी खराब कर रहे हो, और जो ढंग का काम कर रहे हैं उनका भी काम खराब कर रहे हो, कंपनी का भी नाम खराब कर रहे हो। हाँ इसलिए जो भी करो सोच समझ के ज्वाइन करो, और ज्वाइन तभी करो जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं कि आपको नहीं करना है, तभी ये आओ, नहीं तो आप सिर्फ पार्ट टाइम के लिए आओगे और कंपनी का भी इमेज खराब करो और अपना भी करो, तो वो आपके लिए सही नहीं है। बस यही संदेश के संग वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों, बाकी आप लोग बताना नज़ारा कैसा लगा कन्वर्सेशन के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। और ये अभी मैं हूँ झारखंड के बोकारो जिले में, तो वो भी बताना कैसा है ये सिंगल रोड, कैसा लगा, और ये मेरा क्रूज मोड देखो बाइक का, अपने आप चल रहा है मस्त, कोई पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, 5-5 किलोमीटर तक चल जा रहा है। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते किसी ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।